महंगाई का तो अलग इशू है, इसको तो साइड पे करो, ये अलग खुद फरिश्ते के हाथों ये रेट फिक्स कर देंगे। ओ खान साहब अब तो घुमा रहे हैं आजकल हमें ना, डी चौक में उन्होंने हमें दिखा दिखा के पागल कर दिया था, क्या कुछ बता बता के पागल कर दिया, अब वही क्या कुछ उनसे पूछी जाती है, पूरा मना जाते हैं ये हुकूमत ना लाएगा बात, आवाम को सेटिस्फाई करें ना, खुद ब खुद ही मैंने कुछ कोई भी नहीं बिकेगा, चूंकि पाकिस्तान बनना अल्लाह के नाम से, अल्लाह जिसको चला रहा है अल्लाह ने आगे चलाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा, आप देख रहे हैं बागी टीवी। एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एम पी एस एम एन एस के पैसे भरे जा रहे हैं, जेबें भरी जा रही हैं, और दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो रहा है, जहाँ पे घी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आइए चलते हैं आवाम के पास और जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एमपीएस एमएनओ के जेबें भरी जा रही हैं, और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान आ रहा है, पर आप क्या कहेंगे? सर महंगाई कहाँ पे, महंगाई कोई नहीं है, कोई नहीं है। घी की कीमत में 8 से 22 रुपए का इजाफा हो चुका है, कसूर किसका है, कसूर किसका है? ये आजकल जितना भी महंगा हो रहा है या नीचे आ रहा है, इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं। इमरान खान ने जो हॉर्स ट्रेडिंग का तो एक्शन ले लिया है, मगर बढ़ती हुई महंगाई का एक्शन नहीं लिया, उसकी क्या वजह है? महंगाई जो करके गए वो अब फिर इकट्ठा हो गई, अब हालात में वो क्या करें? तो रिलीफ भी तो उसी ने दिया है। किसने दिया है? इमरान खान ने दिया है। कब दिया है? वो खुद कहता है कि मैंने गलती किया है, इमरान खान उसको नवाजी को बाहर भेज के नहीं दिया। हाँ ये बात है कि नवाज को भेजा है, पर उसका है ना, पर उसका हमें भेजता, उसका हमें पैसे मिले, इतना पैसा मिला, 6-7 अरब मिला है तो भेज मिला है, ये जो टैक्स अब कम में मिले है, हालात कोरोना में ये मुल्क निकल रहा है, इतने बुरान है, बिजली की कीमत में 5 से 6 रुपए का इजाफा हो चुका है, महंगाई का तो अलग इशू है, इसको तो साइड पे करो, ये अलग खुद फरिश्ते के हाथों ये रेट फिक्स कर देते हैं, ये इसमें अवाम या इमरान या नून लीग या जरदा इसको उसको कोई बेसिक। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एम पी एस एम एन एस को खरीदा जा रहा है, हुकूमत बड़ी परेशान है, मगर दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो भाई ये नवाज शरीफ के दौर में तो इतनी नहीं थी, लेकिन ये नहीं तब्दीली तो ना को आ रहा, लेकिन ये हमने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कस्टमर आ नहीं रहा, कस्टमर जो रेट बताते हैं कस्टमर बाहर जाकर, क्योंकि कस्टमर के पास पैसे हो तो कस्टमर लेके जाए ना, रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इमरान खान को थोड़ा सा रेट कम करना चाहिए, तो लेकिन जो परेशान है ना वगैरह हमारे एम पी एम पी एम एन एस को ना खरीदो या उनको तंग ना किया जाए, मगर महंगाई के खिलाफ वो कुछ नहीं बात कर रहे हैं जी। हम आम आवाम बाहर निकलने तो फिर है ना, लेकिन ये आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा, हुकूमत को चाहिए थोड़े से महंगाई कम करें, क्योंकि ये इतना ही होता है ना भाई, हम लोग ये देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैठ के ऐसे घर दो चल जाते हैं, वो मालिक मकान दुकानदार क्या करेंगे, हमें मुलाजमों को क्या देंगे, जब दुकानदार सेल करेंगे हम देंगे ना, दुकानदार सेल करेंगे तो घर कुछ लेके जाएंगे, किराए के मकान है। आगे चलते हैं, आवाम की राय लेते हैं उस बारे में क्या कहते हैं। सर एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारी अपनी कमबख्ती है कि हम लोगों ने उनको चूज़ किया तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। हुकूमत जो है परेशान है हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से कब परेशान होगी, महंगाई पर कब एक्शन लेगी? ये तो हम भी कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग तो शुरू से होती है, जब से हम बड़े हुए देखते आ रहे हॉर्स ट्रेडिंग होती आ रही, लेकिन ये तो अब इमरान खान ने वादा किया था ना हमसे कि मैं हम कोशिश करूँगा ये ख़त्म करवा दूँगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। आज कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा हो गया दोबारा, दूसरी तरफ जो एम पी एस हैं सिंध में वो कह रहे हैं कि हमने पी टी आई की टिकट पर लड़ना ही नहीं है, मगर इमरान खान साहब उनके लिए परेशान है जो कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ी है, रोज़मर्रा अशिया की कीमत बढ़ी है, उस पर परेशान नहीं है। हाँ ये तो हम भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं, एहतजाज भी किया है कि खान साहब, और खान साहब अब तो घुमा रहे हैं आजकल हमें ना, हम पहले कहते हैं मैं अब कहते हैं मैं आटे तो आलू टमाटर के लिए नहीं आया फलान ये, जबकि पहले वो खुद ही कहते होते थे हमें कि जी मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, मैं डी चौक में उन्होंने हमें दिखा दिखा के पागल कर दिया था, क्या कुछ बता बता के पागल कर दिया, अब वही क्या कुछ अब उनसे पूछी जाती है तो बुरा मना जाते हैं। और आवाम बेचारी किधर है? आवाम बस अब रो रही है पछता रही है वो, लेकिन ये होना यही है, अब आगे एक्स वाई जेड कोई भी आता है नून लीग दाढ़ी है वो उन्होंने उनके स्कोर होना शुरू कर देना, ये इन्होंने ऐसा किया इन्होंने ऐसा किया, लेकिन हम ये देखते हैं पिछले 30 साल तो मुझे देखते हुए हो गए हैं, हर कोई कहता है कि पाकिस्तान गया ये हुआ, चूँकि पाकिस्तान बनना अल्लाह के नाम से, अल्लाह जिसको चला रहा है अल्लाह ने आगे चलाना है। एक तरफ एम पी एस एम एन एस को खरीदा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हुकूमत नालायक है बस, ये हुकूमत ही नालायक है बस। एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का तो एक्शन ले रही है मगर महंगाई का एक्शन नहीं ले रही, इस पर आप क्या कहेंगी? महंगाई का एक्शन क्या, इतनी महंगाई के कुछ भी समझ में आती ही नहीं है बात। और ट्रेडिंग हो रही है, एम पी एस एम एन को खरीदा जा रहा है इस वक्त, हुकूमत उसके लिए बड़े परेशान है, बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत कब एक्शन लेगी, कब उसके लिए परेशान होगी? अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हुकूमत जब इन्हें हुकूमत ही नहीं कर सकी, सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो आवाम को सेटिस्फाई करें ना, खुद ब खुद ही एम एन ए कुछ कोई भी नहीं बिकेगा। एम एन ए का फिक्र लगा हुआ है, आवाम का फिक्र कब लगेगा? आवाम का फिक्र तो मुझे नहीं लगता कभी भी होगा, सुनने में आती है ये चीज़ हो रही है वो चीज़, लेकिन हम लोग इस कदर महंगाई से परेशान है कि हद हो गई है
कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। सब लोग मेहनतें करते, बच्चे घर में परेशान है, खाना नहीं बना के देते, मियाँ बीवी जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे घरों में रुल रहे हैं, कभी इधर सड़कों पे। उन्हें जब हम लोग तहफ़ुज़ ही नहीं दे पा रहे बच्चों को, हम कमाएं कैसे और बच्चों को कैसे संभालें। तो आज महंगा हो गया है। फिर ये भी नहीं है कि सैलरीज हमारी इतनी हो कि हम बच्चों को अच्छे ज़िंदगी दे सकें, कि दोनों मियाँ बीवी कमा के भी हम दो बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहे। सर एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का तो एक्शन ले रही है, महंगाई का एक्शन कब लेगी? ये इमरान खान साहब ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता कब एक्शन लेगी। बट अगर महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में हर तरफ ऐसे ही हो रहा है, हालात इस तरह से हैं। आज कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है, आपको लगता है ये बाजार का रश देख के महंगाई बढ़ रही है? कोई भी ऐसी जगह बताएं जहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में। बजाते खुद मैं पाकिस्तानी अगर मैं रोता हूँ, मैं नज़र आता हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरा अपना क्या किरदार है उसको कम करने के लिए? मैं बजाते खुद क्या कर रहा हूँ, मैं ना ही गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ ना ही खान साहब का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं बजाते खुद हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या मोटिव है, बजाते कौम हम किस तरफ जा रहे हैं खुद? पहले पिस्ती जा रही है महंगाई के दबाव के तले, बिजली महंगी कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, आप कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कौन लेके आया है? आवाम ही लेके आई है। तो फिर किसका कसूर है? आवाम का। किसको चाहिए? अब आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम में शऊर होना चाहिए, आवाम को बदलना चाहिए ना। अगर मैं जाऊँ, चार लोग निकले वहाँ नारे लगा रहे हैं खान साहब जिंदाबाद, चार लोग नारे लगा रहे हैं जी नवाज शरीफ जिंदाबाद, चार लोग जरदारी साहब को जिंदाबाद कह रहे हैं, आप मुझे बताएं उन्होंने आके आपको देना है क्या है? कम अज़ कम आप ये तो देखें कोई बंदा आपके ऊपर वो हुक्मरान हो जो आके आपकी तो सुने। फिर अगर महंगाई है, कौन सी चीज़ ऐसी जो हमने छोड़ दी है? महंगाई है यार, ये चीज़ हम नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे ना। कितनी चीज़ें हैं ऐसी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो ज़रूरी हैं सारी, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हमने बायकॉट किया, जो बाहर से आ रही हैं? कितनी चीज़ें हमारी हैं जो हमारे पास रुल रही हैं, हमें उनकी कदर नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से अच्छा चाहिए सारा कुछ। किसी भी जगह पर चले जाएँ, कहीं भी मार्केट में, कहीं भी बाज़ार में, हर जगह ये रोना तो है महंगाई है, लेकिन आपको ये कहीं नहीं नज़र आएगा कि पिछले साल इतना रास्ता मार्केट में आज उससे कम हो गया, वो बढ़ता ही जा रहा है। इमरान खान साहब आवाम का दर्द समझें, ये MPs MNAs जो बिकने वाले हैं ये कभी भी आपके ना थे ना होंगे। आवाम की राय आपने जानी, आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए, बागी टीवी देखते रहिए।